साथियों, स्वागत है आपका सनातन संस्कृति से जुड़ी शोध परक जानकारियों के साथ सनातन टीवी पर। मित्रों, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट के माध्यम से हमसे भगवान श्री कृष्ण की वंशावली और उनके परिवार के विषय में पूछा था। आज का यह वीडियो इसी पर आधारित है, जिसे काफी शोध के साथ आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। मित्रों, त्रेता युग में जन्मे भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं में निपुण भगवान का पूर्ण अवतार माना जाता है। भगवान ने पृथ्वी लोक पर मानव के रूप में लगभग 125 वर्ष की आयु पूर्ण की और इस भूलोक के मनुष्यों की भांति ही व्यवहार भी किया। तो साथियों, 125 वर्ष की आयु तक भूलोक पर रहे भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत विशाल परिवार भी रहा। श्रीमद् भागवत कथा से पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16108 पत्नियां थीं। प्रत्येक पत्नी से उन्हें 10-10 पुत्र प्राप्त हुए थे। वे समस्त पुत्र शक्ति, सौंदर्य, बुद्धि, यश, संपत्ति और त्याग के ऐश्वर्यों में अपने पिता के ही समान थे। यथा पिता तथा राजा। श्री कृष्ण की 16108 पत्नियां राजकुमारियां थीं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की उन 8 पत्नियों के विषय में, जिनके नाम और जिनके संतानों के नाम शास्त्रों में हमें मिलते हैं। श्री कृष्ण की 16108 पत्नियों में से प्रत्येक के 10-10 पुत्र थे। प्रथम 8 रानियों के पुत्रों की नामावली इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी में से एक थी रुक्मणी। श्री कृष्ण को रुक्मणी से 10 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम थे प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। इसी प्रकार सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, ब्रहंदानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। अगली पत्नी थी जामवंती। इनके भी 10 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र था सांब। पुत्रों के नाम थे सांब, सुमित, पुरुजित, शतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविण और कृतु। भगवान श्री कृष्ण को जामवंती के पुत्रों से विशेष स्नेह था। राजा नग्नजित की पुत्री सत्या से भी, जो श्री कृष्ण की पत्नी थी, भगवान श्री कृष्ण को 10 पुत्र प्राप्त हुए। उनके नाम थे वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, बेगवान, ब्रश, आम, शंकु, वसु तथा कुंती। उन सब में से कुंती अत्यधिक बलवान था। इसके बाद नंबर आता है कालिंदी का। कालिंदी से भगवान श्री कृष्ण को 10 पुत्र थे और इनके नाम थे श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा था सोमक। अगली पत्नी मद्रास प्रदेश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा थी और इनसे भी भगवान श्री कृष्ण के 10 पुत्र थे और इनके नाम थे प्रघोष, गात्रवान, सिंहवल, प्रबल, ऊर्ध, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। इसी भांति उनकी अगली पत्नी मित्रबिंदा से भी 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे ब्रक, हर्ष, अनिल, ग्रंथ, वर्धन, अन्नाद, महांस, पावन, वही और क्षुधि। उनकी अन्य पत्नी भद्रा के 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहण, अरिजित, जय, सुभद्र, बाम, आयु और सत्यक। साथियों, इन 8 प्रमुख रानियों के अतिरिक्त श्री कृष्ण की 16100 पत्नियां और भी थीं और उनसे भी प्रत्येक को 10-10 पुत्र थे। रुक्मणी जी के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न का विवाह उनके जन्म के समय ही मायावती से हो गया था। बाद में उनका पुनः विवाह उनके मामा की पुत्री रुक्मावती से भी हुआ। ये एक अलग रोचक कथा है, जिस पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के परिवार में उनको और उनकी पत्नियों, पुत्रों, पौत्रों और प्रपोत्रों को लेकर लगभग 10 अरब सदस्य थे। है ना आश्चर्यजनक तथ्य।
दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह क्यों किया, यह भी एक रोचक कथा है जिसे हम अगले वीडियो में लाएंगे। इसी तरह की प्रमाणिक और शोधपरक जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल YouTube पर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कर लें और अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद।